नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, मतलब इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जो जिनके बारे में क्वेश्चन अक्सर व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने बताया है। इन्हें आप देखिए और इन्हें याद करिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जानी मानी हस्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं आप सभी को। देखिए इनके बारे में एक ना क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, आप देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं तानसेन। तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक थे, वह ग्वालियर से थे तथा राजा अकबर के नवरत्न शामिल थे। तानसेन आप सब लोग जानते हैं तानसेन जी का संबंध किससे है। तानसेन जी थे प्रसिद्ध संगीतकार थे, ये जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो है राजा अकबर के दरबार में थे। राजा अकबर नौ रत्नों में शामिल थे तानसेन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं राजा छत्रसाल जो हैं। राजा छत्रसाल ने 50 सालों से अधिक, मतलब आधी सदी से अधिक संघर्ष करा, मुगलों के साथ संघर्ष करा और अंततः बुंदेलखंड को मुक्त कराया। मतलब कि राजा छत्रसाल जो हैं दोस्तों, कहाँ से? बुंदेलखंड से संबंधित थे। बुंदेलखंड के राजा थे राजा छत्रसाल, जिन्होंने कि मुगलों के साथ शासन करा और उन्होंने मुगलों से बुंदेलखंड को मुक्त कराया। ठीक है दोस्तों, अगले देखिए, अगला नाम आता है रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई जो थी महारानी, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, विख्यात प्रशासक व सुंदर घाटों के निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हैं। महारानी अहिल्याबाई देखिए इनका संबंध कहाँ से? महेश्वर के राज, मतलब इंदौर के पास से हैं। आपको पता होगा रानी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी जो है इंदौर में है। रानी अहिल्याबाई का संबंध जो है इंदौर से है दोस्तों, इसे याद रखिए। आप ये पूछ सकते हैं रानी अहिल्याबाई का संबंध कहाँ से? इंदौर पास महेश्वर पड़ता है, वहाँ से संबंध है। समाज सुधारक थी और सुंदर घाटों का निर्माण ने कराया। दोस्तों अगला नाम आता है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित, ये क्वेश्चन आ सकता है। रानी दुर्गावती जो मंडला के चंदील राजकुमारी थी, मतलब मंडला की रहने वाली थी, चंदील की राजकुमारी थी, जिनका विवाह गोंडवाना मतलब जबलपुर के पास जो पड़ता है, गोंडवाना के राजा दलपत शाह के साथ हुआ। बुद्धि और दूरदर्शिता के साथ 16 साल तक इन्हें गोंडवाना पर शासन का, मतलब ये महारानी थी, इन्हें शासन करा 16 सालों तक। सुंदरता साहस और बहादुरी के लिए इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। यहाँ भी आप देखते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है जबलपुर में है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। जैसे रानी अहिल्याबाई का विश्वविद्यालय जो है इंदौर में है, इसे याद रखते हैं। इनका संबंध आपको समझ गए होंगे, इंदौर से है और अहिल्याबाई का दुर्गावती का संबंध जो है जबलपुर से है। रानी लक्ष्मीबाई देखिए दोस्तों, रानी लक्ष्मी आप सभी लोग जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा बचपन में। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मी अंग्रेजों से लड़ी और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई जो ग्वालियर के किले पर लड़ती हुई उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से संबंधित है, हमें आपको इसे याद रखना है। अगला नाम आता है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जो आप सभी ने नाम सुना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ तो पूछेंगे, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधि के प्रतीक थे तथा 1926 से 1931 में क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठीक है, कौन से? चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनके सक्रिय रूप से शामिल थे। अगला नाम आता है टाट्याभील। ये भी जो है दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद पश्चिम निर्माण के टांटेभील ब्रिटिश राज्य से आज़ादी के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक बने। टांटेभील ये भी जो है ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इनका नाम भी दोस्तों एग्जाम में आता है, आप देखें कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। टांटेभील कहाँ से संबंधित? पश्चिम निर्माण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश राज्य से इन्हें लड़ाई लड़ी 1857 में। अगला नाम आता है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो थे मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, जब सबसे पहले जो प्रधान मुख्यमंत्री जो बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल, सबसे पहले यही बने थे। विभाजन कब हुआ? 2008 में हुआ, छत्तीसगढ़ बना। ठीक है दोस्तों, अगला नाम आता है शंकर दयाल शर्मा। देखिए दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जो MP से संबंधित हैं और ये जो हैं दोस्तों भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। कौन? शंकर दयाल शर्मा जी थे 9वें राष्ट्रपति बने हैं भारत के। एक प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, अगला नाम आता है काशू भाई ठाकरे नाम आता है। ठीक है दोस्तों, ये सिद्धांतों पर चलने वाले उत्साही सामाजिक सुधारवादी मध्य प्रदेश के राजनीतिक नेताओं के बीच राजनीतिक हस्ती हैं काशू भाई ठाकरे। आप काशू भाई ठाकरे का जो है MP से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान शास्त्रीय संगीत के कलाकार, उन्होंने समय बेहतरीन कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे। मैयर में बसे सरोद वादक
वह महान गुरु थे, मैहर के रहने वाले थे। इनका संबंध यह है कि दोस्त क्वेश्चन आ सकता है अलाउद्दीन खान कहाँ से संबंधित है, अलाउद्दीन खान संबंध पूछेंगे तो आपने क्या बताना है दोस्तों, मैहर से संबंधित। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, मैहर से संबंधित है। वो जी क्या करते हैं दोस्तों, मैहर से संबंधित होकर सरोद वादक। ठीक है दोस्तों, मैहर से संबंधित सरोद वादक। ठीक है, अलाउद्दीन खान जब पूछेंगे तो वो पंडित कृष्ण राव पंडित ये भी गायक और ग्वाले घराने से संबंधित है। पंडित वो कृष्ण राव पंडित जो हैं ग्वाले घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस्ताद आमिर खान, ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, अपने को याद रखें उस्ताद आमिर खान ये है कहाँ से, इंदौर से संबंधित है, इंदौर से संबंधित गायक हैं ये भी। भवानी प्रसाद मित्र, आप सब लोग नाम पढ़ा होगा, ये जो राष्ट्र कवि और संघवाद के गांधीवादी दार्शनिक हैं भवानी प्रसाद मित्र। अगला नाम आता है दोस्तों डीजे जोशी, अगला नाम किसका आता है सुनो, डीजे जोशी, इंदौर के महान आधुनिक चित्रकार हैं ये, चित्रकार डीजे जोशी। अगला नाम आता है बालकृष्ण शर्मा, रमेश शाहजहाँपुर के स्वतंत्रता सेनानी, शाहजहाँपुर का नाम सुनोगे आपने दोस्तों, शाहजहाँपुर के स्वतंत्रता सेनानी अनुभवी संपादक व कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है शाहजहाँपुर से संबंधित, हमें याद रखना। शिवमंगल सिसवन उज्जैन के प्रख्यात शिक्षाविद प्रगतिशाली कवि, शिवमंगल सिसवन कवि हैं ये। ठीक है, श्री विष्णु धर्म वाकड़कर उज्जैन के प्रसिद्ध पुरातत्वविद कला, प्रसिद्ध पुरातत्वविद कला गुरु वाकड़कर। ठीक है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इनका भी सुन दोस्तों खंडवा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा एक राष्ट्र कवि, मतलब इनका जन्म आप सब लोग जानते हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो था होशंगाबाद के बाबे ग्राम में हुआ था और इनकी जो कर्मभूमि जो थी खंडवा में थी। कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व जो है दोस्तों देवास के ख्याल गायक प्रसिद्ध गायक थे, साथ ही संगीत के क्षेत्र में नवाचारों के लिए गाए जाने जाते हैं। आपको जब भी मतलब कुमार गंधर्व जो होता है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, जब भी आया था हमें याद रखना है। कुमार गंधर्व सम्मान का पूछा जाता है, कुमार गंधर्व सम्मान किस क्षेत्र में जाती है, जो जाता है गायकी संबंधी जाता है। अगला क्वेश्चन अब्दुल लतीफ खान भोपाल के सारंगी वादक। दोस्तों आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए डालते रहेंगे, इसलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी वीडियो आएंगे आपको अलर्ट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।